हेलो दोस्तों, तो आज मैं ग्रुप डी के सभी परीक्षार्थियों के लिए जिनका फेज 2 फेज 3 में एग्ज़ाम है और जिनका एग्ज़ाम आज भी होना है, उन सभी के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको यूट्यूब की बेस्ट क्लास बनाऊंगा और पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि ये हर एक बात जो मैं यहाँ पर आपको अभी बताऊंगा वो आपकी समझ में आ जाए। तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और मैं इकाई के अंक के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन, रेलवे में आने वाले क्वेश्चन या रेलवे में आ चुके क्वेश्चन, उनको मैंने लिया और यहाँ पे मैं आज उनको आपको कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको पास सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट होंगे ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आप कुछ भी अगर याद नहीं भी रखेंगे ना तो भी काम चलेगा और आप बहुत आसानी से इनके प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं आपको याद रखने वाले, वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको साइक्लिसिटी यानी चक्रण याद रखना है। और वो चक्रण सिर्फ और सिर्फ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है किसके, 2 के पहाड़े का, 3 का, 7 का और 8 का। 2 के पहाड़े का चक्रण, 3 के पहाड़े का चक्रण, 7 के और 8 के पहाड़े का जो चक्रण होता है सभी का सेम होता है, यानी कि 4। ठीक। अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो 4 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में एक समानता ये होती है, इस चीज को समझिएगा। मैं आपको भी एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि 2, 3, 4, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 के पहाड़े का चक्रण 4 क्यों होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि 2 की घात 1 करने पे आपको 2 मिलेगा, 2 की घात 2 करने पर आपको 4 मिल सकता है, 2 की घात 3 करेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा 8, 2 की घात 4 करेंगे तो आपको 16 मिलेगा इकाई में। ठीक है। अब देखिएगा, 2 की घात आपने अगर 5 कर दी तो आपको क्या मिलेगा, 16 दूनी 32 मिलेगा, 2 की घात 6 कर दी 32 दूनी 64 मिलेगा, और 2 की घात 7 कर दी 64 दूनी 128 मिलेगा। आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि जब मैंने 2 की पावर पहला 1 लिखा तो मुझे इकाई का अंक 2 मिला है, जब 2 लिखा तो इकाई का अंक 4 मिला है, जब पावर 3 करी तो इकाई का अंक 8 मिला है, जब पावर 4 करी मैंने तो इकाई का अंक मुझे 6 मिला। इन 4 के पेयर के बाद अब आप जरा गौर करिएगा कि शुरुआत के 4 के बाद जैसे ही हम 2 की घात 5 करते हैं तो फिर से हमें इकाई में क्या मिल जाता है, 2, जो कि शुरुआत में मिला था। अगर मैंने 2 की घात 6 करी तो मुझे इकाई का अंक क्या मिल गया, 4, जो मुझे दूसरे स्थान पर मिला था। यानी आप ये देख रहे हो कि इस 4 के पेयर के बाद, इन 4ों के पेयर के बाद इकाई में आने वाले अंक दोबारा रिपीट होने लगे। हर 4 के पेयर के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। कौन कौन से पहाड़े में, फिर से आपको बता दे रहा हूं, 2 में, 3 में, 7 में और 8 में। इसलिए इनका जो चक्रण होता है, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, उसको 4 रखा जाता है। राइट, क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, जरा इस चीज को देखिएगा कि यहां पर मैंने लिखा है 4 के पहाड़े के लिए बेसिकली ये पॉइंट है और 9 के लिए ये पॉइंट है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब जैसे ही लिखा है कि 4 की अगर कोई भी घात सम होगी, इवन होगी, तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 6 आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद भी कर सकते हैं, मैं इनका कारण भी आपको अभी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। 4 की घात अगर कोई भी विषम संख्या लिखी है तो उसमें इकाई का अंक जो होगा हमेशा 4 आएगा। ऐसा क्यों होता है इसको भी आप जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास लिखा है 4 की घात 14, तो आपने अभी क्या पढ़ा कि 4 की पावर अगर सम होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। यानी इसमें आप डायरेक्ट ये बता सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब सवाल ये उठता है अहम कि क्यों होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, जो भी साइक्लिसिटी होगी, आप ये मान के चलिए कि सारे पहाड़ों की 2 से लेकर 9 तक साइक्लिसिटी आप 4 रखो। ठीक, याद कर लो इस बात को। याद रखने वाली बात क्या है कि सभी की साइक्लिसिटी हम 4 मान के चल लेते हैं। ठीक, वैसे 4 की 2 होती है, कोई दिक्कत नहीं।
अगर आप इसे 4 से विभाजित करते हैं, मतलब ये जो पावर इसकी 14 लिखी है, 4 की पावर 14, तो जो भी घात लिखी है 14, अगर आप इसे 4 से विभाजित करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट में आपकी पकड़ बन गई, सवाल सेकंड्स में होंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट आप पूरा मेरे साथ एक बार समझिएगा, सबसे बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है। 4 × 3 = 12, बचेगा आपके पास 2, शेष फल कितना आया 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 12 + 2 लिख सकते हो, और ये जो 12 है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो बचता क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2। तो जो बचता है ना उसी को हम लोग पावर में लिख लेते हैं, ये 4 सेम लिख दिया, जो बचा है शेष उसको हमने पावर में लिख दिया। 4 की घात 2 क्या बनेगा सर, 16, 16 में इकाई का अंक क्या आता है, 6। इसलिए आप याद रखेंगे कि 4 की पावर, अब अगर कभी भी कोई सम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा हमेशा और हमेशा 6 आएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर 4 की घात में कोई विषम संख्या लिखी है, मान लीजिए 4 की घात में 9 लिख दिया है, 4 की पावर अगर कोई भी विषम संख्या है तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 4 ही आएगा। बोले सर क्यों आएगा, मैंने कहा आप साइक्लिसिटी जो ऊपर पावर होती है ना इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, 4 की फॉर्म। आपने कहा सर इसकी जो साइक्लिसिटी है इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 9 को साइक्लिसिटी से, तो 4 × 2 = 8, एक शेषफल बचेगा। जो शेष बचा उसी को हमने पावर में लिख दिया, तो 4 की घात 1 का मतलब 4 हो गया। इसलिए 4 की घात विषम संख्या हमेशा आपको इकाई अंक 4 देगी, 4 की घात सम संख्या हमेशा आपको इकाई अंक 6 देगी। इसी तरीके 9 का सिस्टम होता है कि 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है, मान लीजिए 2 है, तो इसमें इकाई का अंक आपको 1 मिलेगा, और अगर 9 की घात 3 है यानी कि कोई भी विषम संख्या है, तो 9 की घात 3 होता है 729, तो इसमें आपको इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 9। ये बात याद रखने वाली है, इसको आप याद रखिएगा, ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा आप देखिएगा कि जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी का मतलब जो चक्रण है, चक्रण से आप पावर समझ सकते हो, इसको आप हमेशा 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 और हमेशा 4n ± 1 की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, या फिर 4n ± 2 की फॉर्म में ब्रेक करते हैं तोड़ते हैं, या फिर 4n ± 3 की फॉर्म में तोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास लिखा है मान लीजिए 7 की पावर 23, अब अगर इस 23 को हमें तोड़कर लिखना है 4n ± इसकी फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा, 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 + 3, यस और नो, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। देखो ये वही तो लिखा है, 4n + 3 की फॉर्म लिखी है कि नहीं लिखी, बोले हाँ सर लिखी है। उसके बाद जो शेष बचता है ना उसी को हम लोग पावर में लिख के इकाई का अंक निकाल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा होता, मैंने लिख दिया होता 23 की पावर 58, तो इसको आप कैसे लिख सकते थे, या 59 लिख लेते, कुछ भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 59 लिख लो। तो इस 59 को इस 4n ± 1 की फॉर्म में कैसे तोड़ते, बोलते सर 4 × 15 = 60 हो जाता, 60 में से एक घटा लेते तो भी आंसर आ जाता। या फिर इसी को यूं लिख सकते थे कि 4 × 14 = 56 होता है, +3 कर सकते थे तो भी आता, दोनों ही बातें आती। लेकिन सर अब यहाँ पर एक चीज को समझना है कि अगर प्लस में चीज आती तो सीधे सीधे लिखते 23 की पावर, जो शेष बच रहा है यानी 3, यहाँ पर इकाई का अंक निकाल लेते। लेकिन सर अगर हम माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, जैसे ही अगर ये माइनस में आया होता, ये माइनस वाला, अब आप कहते सर माइनस कर देंगे तो क्या 1/23 लिखेंगे, नहीं। जब कभी भी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि पावर माइनस में है तो आप उसमें साइक्लिसिटी जोड़ दीजिए, जैसे 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, इसको जोड़ दीजिए, क्या बच जाएगा 23 की पावर 3। तो देखिए घूम फिर के यही बात आ गई जो यहां पे लिखी थी, क्लियर है ये बात, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि साइक्लिसिटी हमेशा इस फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखी जाती है,
इन्हीं तीन में, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, समझने वाली। ये तो अच्छा मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था। पॉइंट नंबर टू क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का पॉइंट नंबर टू क्या है कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो फैक्टोरियल होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। इसका मतलब क्या होता है जिन बच्चों को नहीं पता, हालांकि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी को ये ना पता हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कोई लिखा है n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल का मतलब मित्र ये है कि n को आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले n, फिर एक घटाइए, एक एक घटते हुए, फिर दो घटा लीजिए, फिर तीन घटा लीजिए, और ये आपको तब तक लिखते जाना है जब तक कि एक ना आ जाए, मतलब एक तक घटते हुए क्रम में संख्या को लिखना है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर आपके पास चार फैक्टोरियल लिखा है तो आप शुरुआत चार से करेंगे, चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, कहां तक लिखना है? एक। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का, राइट? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल का मान हमेशा वन होता है। अच्छा सर, आपने इसमें एक पॉइंट और लिखा है, चार फैक्टोरियल के बाद सभी का यूनिट डिजिट जीरो होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मित्रों ये है कि मैं आपको कुछ समझाता हूँ यहाँ पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक गुणे एक। मैंने आपसे पूछ लिया दो फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो सर आप कहेंगे कि सर आपने अभी बताया था कि शुरुआत करके गुणे में एक तक हम लोग जाते हैं घटते हुए क्रम में, तो दो गुणे एक, ये दो होगा, ये एक होगा। ठीक, यानी अगर एक फैक्टोरियल की इकाई का अंक देखा जाए तो एक है, दो फैक्टोरियल की इकाई का अंक देखा जाए तो दो है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि तीन फैक्टोरियल, तो आप क्या कहेंगे? तीन गुणे दो गुणे एक, यानी कि तीन दूनी छह। तीन फैक्टोरियल की इकाई का अंक छह है। चार फैक्टोरियल की बात हो जाए तो चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, चार फैक्टोरियल की इकाई का अंक चार तई बारह दूनी चौबीस, यानी कि चार है। देख पा रहे हैं? बोले हाँ सर। अच्छा, अब चार फैक्टोरियल के बाद जब हम लोग फैक्टोरियल्स लिखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते पांच फैक्टोरियल, क्या लिखा जाता? पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, पांच चौको बीस, तेईस साठ दूनी एक सौ बीस, यानी कि ये होता 120। देखो इकाई का अंक क्या है सर? जीरो है, जीरो आया चार फैक्टोरियल के बाद। अगर मैं यहाँ पे छह फैक्टोरियल का मान लिखता तो क्या लिखता? छह गुणे पांच गुणे चार मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई एक, छह पंचे तीस, तीस चौको एक सौ बीस, एक सौ बीस गुणे तीन तीन सौ साठ, साठ दूनी एक सौ बीस, आता या नहीं आता? बोले आता सर। इस 720 में इकाई का अंक क्या है सर? जीरो है। तो यही पॉइंट जो मैंने आपको यहां समझाया है, यही आप इस चीज को समझो कि चार फैक्टोरियल के बाद सभी का यूनिट डिजिट जो बनेगा, इकाई अंक जो बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा? जीरो। इसका फायदा क्या है सर जी? इसका फायदा क्या है? अभी मैं आपको सवालों से दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है? चलिए कुछ सवालों को चेक कर लेते हैं इसके कि क्या है फायदा। चलिए जैसे देखिए, एक ये सवाल है आपके पास इस वक्त आपके स्क्रीन पर, एक ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे होगा। ध्यान से देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए कैसे इस्तेमाल होगा उस बात का जो मैंने आपको अभी सिखाई है। कह रहा है 43 की पावर यानी 43 की घात, ऊपर में लिखा हुआ है 34 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है? 34 फैक्टोरियल। अब एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो जो छोटे से पॉइंट है ना, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। अगर मैं 34 फैक्टोरियल कह रहा हूं, तो आपने अभी पढ़ा है कि सर चार फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, राइट? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? जीरो। अब इसका आपको इकाई का अंक निकालना है, इस चीज को समझिएगा। मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना, कि अगर आपको 34 फैक्टोरियल जैसे लिखना है तो 34 फैक्टोरियल का मान कैसे लिखोगे? 34 गुणे 33 गुणे 32, और ये कहां तक चला जाएगा सर? एक तक चला जाएगा, वन तक जाएगा, नहीं जाएगा?
और मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर इसकी इकाई का अंक पूछ लें तो आप क्या बताओगे? सर, जीरो होगा। तो इसी तरीके से 34 फैक्टोरियल की इकाई का अंक भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए ना? बोले हाँ सर। अब एक चीज को और कंफर्म करिएगा मेरे साथ। मैंने आपको बताया कि जो भी पावर होती है, जो भी पावर होगी उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं? बोले सर 4n प्लस माइनस 1, 4n प्लस माइनस 2, 4n प्लस माइनस 3 की फॉर्म में लिखते हैं। इसको कैसे लिखोगे? बोले सर इसको अगर हमें लिखना होगा 34 को, तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू 8 प्लस 2, 4 इंटू 8 प्लस 2 फैक्टोरियल बाहर लगा लेंगे। अब इस पर बात कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखा? 4 गुणे 8 प्लस 2 फैक्टोरियल। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अच्छा, आप एक चीज को और समझो कि हमें इकाई का अंक निकालना है, तो जो आधार में संख्या 43 लिखी है ना, इसकी भी इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे कि केवल 3 लिख लीजिए इकाई का अंक। सिंपल सी बात। और ऊपर जो लिखा है 34 फैक्टोरियल एज इट इज, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा बात है। ठीक, 34 फैक्टोरियल। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको पता है, आपने अभी पढ़ा था कि 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। यानी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 34 फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिवाइड करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब 34 गुणे 33 गुणे 32 गुणे 1 तक अगर जाएं और इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 थी, तो इस 4 से डिवाइड करने पर 8 आएगा। बोले आएगा सर। अब जो संख्या ऊपर आएगी 34 गुणे 33 गुणे 8 गुणे 31 गुणे कहां तक? 1 तक, वो 4 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, ये बात पक्की है। ठीक, तो आप एक चीज का याद रखिए कि अगर आपको 3 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल दिखाई दे जाए, पावर में बड़ा फैक्टोरियल दिखाई दे जाए, इस चीज को याद रखेंगे ना, तो ये जो चीजें आप करके निकाल रहे हो डायरेक्ट कर दोगे तुरंत। 3 फैक्टोरियल से अगर बड़ा फैक्टोरियल आपको पावर में दिखाई दे जाए, तो आप उसकी साइक्लिसिटी पावर में लिख दीजिए, उसका चक्रण लिख दीजिए, पावर में काम खत्म। सिंपल सी बात है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये था मेरे मित्रों कि अगर यहां पर आपको 34 फैक्टोरियल दिखाई दिया है, तो आप ये बताओ कि 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? बोले सर 4 होती है। तो मैंने कहा बस यही लिख दो, ये सब भूल जाओ, कितना बड़ा है कितना छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 से पूरा पूरा कटेगा। 3 की घात 4, और 3 की घात 4 क्या होता है? 81। और उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? सर 1। सही जवाब क्या होगा? 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से देख पाओ, और यहाँ पर आपके सामने आपका अगला सवाल दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए और कोशिश करिएगा। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और कहाँ तक 100 फैक्टोरियल तक जोड़ के इकाई का अंक बताना है। दो बातें मैंने आपको बताई, क्या क्या? कि अगर आपको घात में पावर में 3 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित दिखाई दे, 3 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल दिखाई दे, तो आपको इसमें साइक्लिसिटी लिख देनी होती है, चक्रण की संख्या लिख देनी होती है, साइक्लिसिटी लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट मुद्दे की बात, जो पहले बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद सभी फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है? 0। याद है? बोले यस सर। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना है, बल्कि केवल इसमें आखिरी वाले का ही। मैं कह रहा हूं 4 फैक्टोरियल के बाद, यानी कि 5 फैक्टोरियल आगे जो आया होगा, 6 फैक्टोरियल और आगे, यहां तक जितने भी 100 फैक्टोरियल तक हैं, इन सब की इकाई में 0 तो आएगा, बात कंफर्म है। तो मुझे इनसे मतलब ही नहीं रखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और प्लस सर जी 4 फैक्टोरियल, इतने को देखना है। 1 फैक्टोरियल की इकाई का अंक 1 होता है, 2 फैक्टोरियल की इकाई का अंक 2 होता है, 3 फैक्टोरियल की इकाई का अंक 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल की इकाई का अंक 4 होता है।
24 आएगा इसमें, वही काम है। अब जोड़ लीजिए और बताइए इकाई का अंक क्या आएगा, बहुत साधारण सी बात है, ठीक है। 6 4 10 10 2 12 12 और 1 13, 13 में इकाई का अंक क्या है? बोले सर 3 है, तो जवाब जो होगा इसका वो कितना बन जाएगा सर? 3 जो होगा इस पूरे का इकाई अंक होगा, ठीक है, क्लियर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिएगा और कोशिश करिएगा कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक। चलिए दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा कर दें, बड़ा कर देता हूँ और अच्छे से देख पाऊँ। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ लिया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 98 फैक्टोरियल ऊपर लिखा है, 13 फैक्टोरियल नीचे लिखा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लिखिए 98 फैक्टोरियल को 98 गुणे 97 गुणे 96, और ये कहाँ तक लिखना है आपको? सर 1 तक लिखना है, लेकिन सर बीच में 13 भी तो आएगा, तो मैं इसको 13 फैक्टोरियल पे ही रोक देता हूँ, आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे रोक दिया। सर नीचे 13 फैक्टोरियल तो था ही था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस 13 फैक्टोरियल से इसका काम खत्म हो गया। बोले हाँ सर। अब ऊपर क्या क्या बचा है? बोले सर ऊपर इस तरीके से बचा 98 गुणे 97 गुणे 96 इंटू मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा? 12 तक, सॉरी 14 तक, कहां तक रहेगा? 14 तक। बोलो ठीक है क्या? बोले हाँ सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं इन सब का गुणा करता हूं तो हमारे पास 96 गुणे 95 भी तो आएगा। बोले आएगा सर। और अगर इसकी इकाई का मैं गुणा कर लूंगा तो 6 5 30 यानी इकाई में 0 आएगा। अब किसी भी संख्या का अगर आप 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यहां जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, उसका यूनिट डिजिट आप क्या होगा आप ही बता दो। सर यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा, तो इस सवाल का भी इकाई अंक क्या होगा भाई साहब? 0 होगा। बोलो ठीक है क्या? क्लियर है, समझ में आ रहा है? बोले हाँ सर। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है आपका अगला क्वेश्चन, और ध्यान से देखकर अच्छे से बताएंगे। ये देखिए आपका अगला सवाल है स्क्रीन पर, देखिए सवाल क्या है। 1 फैक्टोरियल की पावर 100 है, 2 फैक्टोरियल की पावर 99 है, 3 फैक्टोरियल की पावर इतना है, 4 फैक्टोरियल की पावर इतना है, 5 फैक्टोरियल की पावर इतनी है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था क्या, कि सर 5 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसका इकाई अंक 0 होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसका इकाई अंक 5 फैक्टोरियल का 0 होगा, 5 फैक्टोरियल का मान कुछ आएगा, आपको पता है कितना आता है, 24 पंचे 120 होता है 5 फैक्टोरियल का मान। अब 120 की पावर अगर 96 लिखा है तो भाई साहब 0 इकाई में है, पावर चाहे जितनी हो ये 0 ही रहेगा। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल की इकाई में भी 0 रहेगा, उसकी पावर चाहे जितनी हो वो भी 0 होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि 5 फैक्टोरियल की बाद से सबको हमें देखना ही नहीं है, बिल्कुल काम खत्म कर देना, हमें सिर्फ यहां तक रहना। आप पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ ये बताओ 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 24 होता है। अब जो पावर थी उस पर नजर डालिए, यहां पावर 100 है, यहां पावर 99 है, यहां पे पावर 98 है, और सर आखिरी में जो पावर है वो 97 है। 1 की पावर चाहे जितनी हो ये तो 1 ही रहेगा। 2 के लिए जो हमने बताया था साइक्लिसिटी 4, तो 99 को अगर आप 4 से विभाजित करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? बोले सर 96 तक पहुंच जाएंगे, 3 बचेगा, तो 2 की घात जो बच रहा है उसी को लिख लें, 2 की घात 3, समझ पाए। एक चीज और याद रखिएगा, 0 हो नीचे 1 हो 5 हो या 6 हो, इनकी पावर चाहे जितनी हो, इनकी पावर चाहे इनफाइनाइट हो, इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे 6 की घात 98 लिखा है, अब ये 98 होता या 98 लाख होता है, इसका इकाई अंक तो 6 ही आना था। आगे आइए, 24 की पावर 97 है, इकाई में क्या अंक दिखा? सर 4।
और जो पावर है वो सम है या विषम है? तो कहोगे सर विषम है। और जब 4 की पावर विषम होती है तो इकाई अंक क्या होता है? 4। याद आया? बोले आया सर। 1 + 8 + 6 + 4, 6 4 10 8 18 और 1 19 आएगा, और 19 का इकाई अंक क्या है? 9 है। तो जवाब क्या हो जाएगा सर? 9। क्लियर है? बोले हाँ सर। अब कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप उसको देखिए जो कि पूछे जाते हैं तय है। जैसे एक ये प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा और सुंदर प्रश्न है। मैं आपको चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब समझिएगा इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, पूछ दिया कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। कुछ बेहतरीन से सवाल हैं। इसके बाद, इन सवालों के बाद आपको इकाई अंक के लिए कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझ लेते हैं। ईमानदारी से आप कितना भी बड़ा सवाल उठा के लिखिए, लगाइए, आप 100% सक्षम पाएंगे अपने आप को कि आप इन सवालों को कर ले रहे हैं। ठीक, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, मैं कह रहा हूँ कि जो पहली पावर होती है ना, जैसे ये पहली पावर है, ये दूसरी पावर है, ये तीसरी पावर है, आपके पास जो पहली पावर है, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, मैंने कहा जो पहली पावर है यानी 3, इसको आप 4n + -1, 4n या +-2, या फिर 4n + -3 की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि साइक्लिसिटी इसी में लिखी जाती है। तो आप ही बताइए, क्या आप इस 2 की घात 3 को ऐसे लिख सकते हो, 4 - 1? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ऊपर पावर जो लगी थी 4 और उसके ऊपर 5, उनको बिठा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। 4 से 4 का काम खत्म, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ -1। तो आपने देखा ये आ रहा है आपके पास 2 की पावर -1 की पावर 4 की पावर 5। अब देखिए सर, इसको आप भूल जाओ, मान लो 2 लिखाई नहीं आपके पास, आप बताइए -1 की पावर अगर 4 है तो क्या आना चाहिए? तो आप हमेशा याद रखना कि -1 की पावर अगर सम है तो ये +1 होगा, और अगर -1 की पावर विषम है तो ये -1 होगा। तो -1 की पावर तो सम है तो ये 1 हो जाएगा। यानी अब आपके पास आया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है। तो आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते थे मेरे दोस्त कि ये जो सवाल है आपके पास, इसका इकाई अंक क्या रहेगा आपके पास? 2। बोलिए क्लियर है क्या? बहुत प्यारा सवाल भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देख लो क्या है अगला सवाल। एक सवाल आया आपके पास फिर से, 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 23। फिर से वही काम करना है कि जो पहली पावर है उसको 4n + -1, 4n + -2, 4n + -3 की फॉर्म में तोड़ लीजिए। इसको आप कैसे लिखोगे? 7। अगर इसको लिखा जाए तो 12 - 1 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर पावर 22 है, ऊपर पावर 23 है, 12 4 से खत्म हो जाएगा, यहां पर बचेगा 7 की घात -1, ऊपर पावर 22 फिर पावर 23। अब देखो -1 की पावर सम है या विषम? आप कहोगे सम है सर। तो अगर -1 की पावर सम होता है तो ये 1 ही तो रहेगा। बोले हाँ सर। तो 7 की घात 1 का मतलब ये 7 हो जाएगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई? 7। मेरी बात समझ पाए? मैं आपको कुछ ऐसे ही एक आध सवाल और कराता हूं ताकि आपको ऑप्शंस में क्लियरिटी आ जाए। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये कह रहा था 7 की पावर 11, उसकी पावर 13 और उसकी पावर 15, इकाई का अंक पूछ लिया। फिर वही काम कि 11 को किसकी फॉर्मेट में लिखें? 7 की पावर 12 - 1, ऊपर क्या है 13 और उसके ऊपर क्या है 15। अब आप ध्यान से समझना इस सवाल को। देखो 12 4 से खत्म हो जाएगा, यहां पर आपके पास बचेगा 7 की पावर - 1। अब ऊपर पावर लिखी है 13 और उसके ऊपर 15, तो अब आप देख पा रहे हो कि -1 की पावर विषम है, और जब कभी -1 की पावर विषम होती है तो वो क्या बनता है? -1 ही बनता है। अब आप कहोगे क्या सर ये 7 की पावर - 1 आएगा तो इसमें इकाई अंक कैसे आएगा? याद करिए मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि अगर पावर माइनस में आ जाए, जैसे -1 आया, तो उसी अंक की साइक्लिसिटी को इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि ये क्या बन जाएगा? +3। तो
तो 7 की पावर ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसमें साइक्लिसिटी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 होता है 343, जिसमें इकाई का अंक है 3। तो इस सवाल में इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 3। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है क्या? कहीं ऐसे पूरे YouTube पे ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे हैं भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 8 की पावर 16, पावर 17, पावर 18। पहली पावर क्या है सर? 16 है। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा खत्म हो गया, और जब पूरा पूरा खत्म हो जाए तो 0 आएगा, इसका मतलब 0 आया। अब जैसे ही 0 आ गया, लिखने के लिए अब कुछ मत करिए, सीधे साइक्लिसिटी को उसकी पावर में लिख दीजिए। तो 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है सर? शुरुआत में बताई थी 4 होती है, 8 की पावर 4 लिख दिया। अब 8 की पावर 4 क्या होगा आप ही बताइए। 64 यानी इकाई अंक क्या बन जाएगा? 6। तो इसका इकाई अंक क्या बन गया? 6। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जो कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, इकाई अंकों के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, चाहे वो फैक्टोरियल से संबंधित हो या घातांकों पर, घात के ऊपर घात पर संबंधित हो। YouTube पे आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको वो चीज़ सिखाऊं जो पेपर में इस वक्त इम्पॉर्टेंट रूप लेकर पूछी जा रही है हर शिफ्ट में, और साथ ही साथ जो आपको कहीं ना मिल पाए, मेरा प्रयास ऐसा रहता है। अब मैं कितना सफल हो पाता हूँ ये आप लोग अपने कमेंट से मुझे बताएं, ठीक है? सभी लोग कमेंट जरूर करें कि क्लास आपको कैसी लगी और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक, जय हिंद, बाय बाय, टेक।